उत्तर कोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर युद्ध का ऐलान करने का आरोप लगाकर अमेरिकी विमान को मार गिराने की चेतावनी दी है, जिसके बाद से ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया टेंशन में आ गया है। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने उत्तर कोरिया के आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेतुका बताया है, और साथ ही वहीं दक्षिण कोरिया ने अमेरिका से अपील की है कि वो उत्तर कोरिया के साथ तनाव कम करने में मदद करे। दरअसल सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की घोषणा किए जाने का दावा करते हुए उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही थी। न्यूयॉर्क के री योंग हो ने कहा कि उत्तर कोरिया अमेरिकी विमानों को मार गिराकर अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया का अमेरिका के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी रो योंग हो न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में शामिल होने आए थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने उत्तर कोरिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की है और इससे संबंधित बातें बेतुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय में इस पर सफाई देते हुए कहा कि हमने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है और अमेरिका शांति की अंतिम कोशिश जरूर करेगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।